हेलो क्लास 12, आज आपका थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता स्टार्ट होता है। इसमें धारिता, वैद्युत धारिता पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले हम स्टडी करेंगे धारिता यानी कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटी को, कि एक्चुअल में कैपेसिटी होती क्या है। अगर इसको हम दूसरे वे पर समझें तो एक बाल्टी में हमने 2 लीटर पानी भरा, एक बकेट में हमने 2 लीटर पानी को, वाटर को फिल कर दिया, तो वो 2 लीटर क्या है, वो 2 लीटर उसकी बेटा क्या हो गई, 2 लीटर जो है बेटा वो क्या है, उसकी कैपेसिटी यानी उसकी धारिता। ऐसे ही किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एक कैपेसिटी होती है। आप किसी बॉडी को पहले कुछ इलेक्ट्रॉन दिए, फिर उससे कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए, फिर उससे और कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लेना बंद कर देगा, यानी वो फुली चार्ज्ड हो जाएगा। जैसे हम किसी बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो अगर मान लो वो 10% है, तो उसे 10% से उसे हम चार्ज करना चालू किया हमने, वो 50% हुई, 70% हुई, 90% हुई और फाइनली वो 100% हो गई। अब आप 100% बैटरी चार्ज को और चार्ज करोगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 100 से आगे बढ़ जाएगा, कि एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा, यानी उसका जो हाईली पोटेंशियल था वो फुल हो चुका। तो किसी बॉडी को उतने ही इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं जितनी उसमें कैपेसिटी है। तो इस चैप्टर में हम जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, वैद्युत धारिता है, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि आवेशित वस्तु में ऊर्जा का संचय होता है, मतलब अगर कोई चार्ज सब्सटेंस है आपका तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। किसी वस्तु की धारिता का मतलब यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का जो मीन होता है वो होता है चार्ज और एनर्जी का स्टोर, या जो चार्ज है, जो है चार्ज प्लस एनर्जी जब किसी बॉडी में स्टोर हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम कैपेसिटी यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की बात आती है तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज तो आएगी, क्योंकि किसी भी करंट को पास करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विभवांतर या विभव यानी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वी प्रोपोर्शनल टू क्यू, वी क्या हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस और क्यू क्या हो गया बेटा आपका चार्ज। तो V प्रोपोर्शनल टू Q, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है, तो 1/C और साथ में कितना आ गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बोला जा रहा है लेकिन लिख रहे भी है, इसका मीन ये है कि डेल्टा V का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, और यहाँ पोटेंशियल फिक्स रहेगा इसलिए वी की जगह, डेल्टा वी की जगह वी लिख रहे हैं। अब 1/C क्या हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यानी समानुपातिक नियतांक हो गया, इसे बोलते हैं किसी भी बॉडी की धारिता यानी किसी भी वस्तु की धारिता, मतलब किसी भी जो सब्सटेंस है उसकी एक कैपेसिटी, इसकी जो वैल्यू होती है वो सब्सटेंस की शेप, साइज और जो मीडियम वगैरह होता है उस पर डिपेंड करती है।
अगर हम यहाँ पर क्या करें कि इसके नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सी वी इज इक्वल टू कितना आ गया क्यू, और सी की वैल्यू निकाल लें तो कितना आएगा बेटा क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाता है क्यू अपॉन वी। क्यू क्या हो गया बेटा, अगर इसकी यूनिट की बात करें, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या, कूल चार्ज, चार्ज का मात्रक क्या होता है कूलाम, और वोल्ट पोटेंशियल यानी विभव इसकी यूनिट क्या होती है बेटा वोल्ट, यानी कूलाम अपॉन वोल्ट। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को स्टडी की करा और उसे अच्छी तरह समझाया, तो उन्होंने अपने नाम को ही इसकी यूनिट बना दी, उसे बोलते हैं बेटा फैराड। फैराड यानी कैपिटल F। तो 1 फैराड इज इक्वल टू, 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। 1 फैराड इज इक्वल टू क्या होता है 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। तो 1 फैराड अगर हम इसकी डेफिनेशन निकालें तो क्या है, 1 फैराड उस वस्तु की धारिता होती है, यानी 1 फैराड इज इक्वल टू कैपेसिटी जिसमें अगर हम किसी बॉडी में 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज देने तक उसकी पोटेंशियल में अगर 1 वोल्ट की इंक्रीजिंग हो जाती है, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने से क्या होता है, चार्ज करने से पोटेंशियल पैदा होता है, पोटेंशियल मतलब होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज पैदा हो जाता है और साथ में उसमें वो बॉडी जो है चार्ज हो जाती है क्योंकि उसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो 1 फैराड इज इक्वल टू क्या होता है 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन वी। अगर किसी बॉडी को, अगर उसकी बॉडी की कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस देखना हो तो उसको हमें चार्ज देना पड़ेगा, और चार्ज जो दिया जाता है उसके लिए वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वोल्टेज के साथ ही करंट जो है फ्लो होता है। तो 1 फैराड उस वस्तु की धारिता है जिसे 1 कूलाम धनावेश देने पर, जब हम उसे 1 कूलाम प्लस चार्ज दे देते हैं तो उसके पोटेंशियल में इंक्रीजिंग हो जाती है, यानी उसके विद्युत विभव में वृद्धि हो जाती है। ठीक है बेटा, अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सब्सटेंस की कैपेसिटेंस की बात करें तो इसके कुछ स्मॉल यूनिट्स भी होती हैं, जैसे 1 माइक्रो फैराड। तो 1 माइक्रो फैराड का फॉर्मूला होता है 10^-6 फैराड। 1 पिको फैराड इज इक्वल टू 10^-12 फैराड। फिर इसकी आती है डायमेंशन फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र बेटा जो होता है वो है m^-1, l^-2, t^4 और a^2। जे बेटा इसकी डायमेंशन हो गई, इसकी डायमेंशन मतलब विमीय सूत्र, क्योंकि धारिता का फॉर्मूला होता है आवेश बटे विभव, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपन पोटेंशियल। ठीक है, तो चार्ज की क्या होती है q = yt और विभव की क्या होती है v = w/q। तो उससे इसकी यूनिट डायमेंशन निकल जाएगी कितनी बेटा, m^-1, l^-2, t^4 और a^2। अब अगर ध्यान से समझें तो v का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0k(q)a। a यहाँ पर क्या है बेटा, रेडियस। a यहाँ पर क्या है, रेडियस। अगर हम किसी स्फेरिकल सब्सटेंस की अगर बात करें तो उसमें स्फेरिकल सब्सटेंस में कुछ चार्ज दे दे रहे हैं, अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज जो है चारों तरफ हमने उसमें दे दिया तो
तो उसमें जो पोटेंशियल आएगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू में क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब सी इज इक्वल टू बेटा सी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, क्यू अपॉन बी होता कि नहीं होता। सी ऐसी रहने दो, क्यू ऐसी रहने दो, वी की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू में क्यू अपॉन ए। क्यू से क्यू कैंसिल, ये सब कहाँ पहुँचेंगे बेटा ऊपर, तो सी की वैल्यू कितनी जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और साथ में। ठीक है, तो यह यहाँ पर जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वो स्टार्ट हो चुका है। इसके नोट्स वगैरह जो है आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाए। थैंक यू।